भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। दुमका संथाल परगना में महज एक साल के अंदर बरहेट विधायक सह मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ आदिवासी जनमानस में फैली नफरत ने संथाल में झामुमो को दो धड़े में बांट दिया है। एक तरफ जहां पंकज मिश्रा को चाहने वालों की कतार, वहीं दूसरी ओर उनसे नफरत करने वालों का हुजूम। आम लोग अचानक हुई इस प्रकार की घटना से हतप्रभ और आश्चर्यचकित हैं कि संथाल परगना में अचानक से हस्ती स्थापित करने वाले पंकज मिश्रा के खिलाफ आदिवासी छात्र संघों का इस कदर विरोध करते हुए सड़कों पर उतर जाना कहीं न कहीं उनकी सिंगल मैन लीडिंग की शैली ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में 8-8 बॉडीगार्ड लेकर क्षेत्र में दबदबा दिखाना उनके सितारे के टिमटिमाते रोशनी को पूरी तरह मध्यम कर दिया। आज दुमका महाविद्यालय के समीप सिद्धो कान्हू मुर्मू छात्र टाइगर फोर्स झारखंड की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पुतला दहन किया। सिद्धो कान्हू मुर्मू छात्र टाइगर फोर्स झारखंड के सदस्यों ने बताया, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा साहेबगंज जिला के आदिवासी मूलवासियों की जमीन में अवैध पत्थर खद्यान एवं प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ तोड़ कर पत्थर व्यवसाय अवैध वसूली करने का जरिया बना दिया गया, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य के लिए जल जंगल जमीन के हितों में बखत करती है कि नहीं लुटने देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टाइगर फोर्स मांग करती है कि पंकज मिश्रा को पार्टी से बर्खास्त करते हुए बरहेट विधायक प्रतिनिधि से हटा दिया जाए। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पंकज मिश्रा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। जल जंगल जमीन को बचाने का सकारात्मक पहल करने के लिए टाइगर फोर्स इसका पूर्ण समर्थन करती है। सरकार इस मामले में अविलंब संज्ञान में लेकर शीघ्र कार्रवाई करे, अन्यथा टाइगर फोर्स आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर छात्रगण श्यामदेव हेम्ब्रम, राजेंद्र मुर्मू, हरेंद्र हेम्ब्रम, दिनेश टुडू, सुलित सोरेन, किट्टू सोरेन, दिनेश मुर्मू समेत कई छात्र नेता शामिल थे। दुमका से ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने बरहेट विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा का पुतला दहन किया और हमारे धुंधार विधायक गौरव विधायक लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में उसका हम लोगों ने पुतला दहन किया। जिस तरह से उन्होंने आज पूरा संथाल परगना का जमीन को जिस तरह से खनन गलत खनन तरीका से खनन करवा रहा, गलत तरीका से उसको उन्होंने गाड़ी को ट्रांसपोर्टिंग करवा रहा है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने जिस तरह से विधानसभा में लोबिन हेम्ब्रम ने जिस आवाज को बुलंद किया उसके समर्थन देते हुए आज हम लोगों ने पंकज मिश्रा का दूर विरोध किया और उसका पुतला दहन करके रोज जताया कि यथाशीघ्र सरकार और वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री उससे हम लोग का आग्रह है कि तुरंत उसको आप श्री विधायक प्रतिनिधि से तुरंत उसको बर्खास्त करें, अन्यथा हम लोग पूरा संथाल परगना सिद्धो कान्हू टाइगर फोर्स पूरा जोर विरोध करते हैं और इसका पूरा जोर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? श्यामदेव। आज हम लोगों ने इस संथाल परगना टाइगर फोर्स की ओर से माननीय लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में श्री पंकज मिश्रा का हम लोगों ने पुतला दहन किया। जिस प्रकार से राजमहल क्षेत्र में जिस प्रकार से खनन किया जा रहा है यह बहुत ही दयनीय है। इसी कारण से हम लोग चाहते हैं कि पंकज मिश्रा को जेएमएम पार्टी के जितना ही प्रतिनिधि हैं विधायक के उसको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम नागरपुर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? सुलित सोरेन। आज जो हम लोग यहाँ कॉलेज के समीप सिद्धो कान्हू मुर्मू छात्र टाइगर फोर्स कुछ दिन पहले जो बरहेट विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिस प्रकार से साहेबगंज के पहाड़ पर्वत जो कि हमारे झारखंड के बहुत सुंदर जो माने जाते हैं और उसको पंकज मिश्रा के द्वारा जो लोबिन माननीय विधायक गौरियो के लोबिन हेम्ब्रम जी ने जिस प्रकार से उसको आदिवासी का जमीन लूटने और पहाड़ को तोड़ने के खिलाफ उसके ऊपर आंदोलन शुरू किया, जंग छेड़ा और मैं हम लोग उसके पक्ष में समर्थन दे रहे हैं माननीय बोरियो विधायक को कि आज उन्होंने हमारे आदिवासियों मूलवासियों की जमीन में जो अत्याचार हो रहा था, जमीन को लूटा जा रहा था, पत्थर को यहाँ से लेके जा रहा था, आज उसका वो उजागर किया है। आज इसलिए हम लोगों ने आज उसका पंकज मिश्रा का पुतला दहन करते हैं और बहुत शर्मिंदा
की बात है कि पंकज मिश्रा जो है हमारे मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सचिव हैं, और इस प्रकार से पूरा साहेबगंज जिला को अवैध रूप से पत्थर का ये किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज एक पुतला दहन किए और ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर कार्यवाही करें, और जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र में, जबकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक आदिवासी ही प्रतिनिधि होना चाहिए और वहां के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बाहरी आदमी को प्रतिनिधि बनाकर पूरा साहेबगंज के पूरा झारखंड प्रदेश के लिए एक गलत संदेश जा रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में अन्य बाहरी को एक प्रतिनिधि बनाकर वहां के पत्थर हो या हर चीज ऐसा चीज है जो कि उन लोगों ने लूटने का काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मुर्मू। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।